तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर में एडसेंस को लिंक करने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ब्लॉगर में एडसेंस को लिंक करना। बस आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब बताते हैं कि ब्लॉगर में कैसे एडसेंस को लिंक किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि एक आपको ब्लॉग क्रिएट करना होता है, ठीक है, ब्लॉगर पे। ठीक है, ब्लॉगर पे ही आपको समझा रहा हूँ। तो आपको जो है ब्लॉगर पे ही एक ब्लॉग क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो है ये पोस्ट सब जो आप देख रहे हो इसमें जो है 20 से 25 पोस्ट आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कि वो पोस्ट जो है आपके खुद का लिखा होना चाहिए। ठीक है, कहीं से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में जो है आपका जो एडसेंस है वो यहाँ पे लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 20 से 25 पोस्ट जो है आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है करना क्या है कि अर्निंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अर्निंग पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने जो है ये वाला बटन मिलेगा, ठीक है, कनेक्ट एडसेंस का, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि क्लिक करना होगा, ठीक है, कनेक्ट एडसेंस पे। तो ये जो है कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि मैं गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है मैं पहले ही क्रिएट करके रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे करना क्या है नीचे, ठीक है, आना है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग पे जो है यहाँ से एड्स को ऑन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है ऑन नहीं होगा। ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जो है अभी तक डोमेन लिया ही नहीं है, ठीक है। जब आप डोमेन लोगे तभी जो है आपके ब्लॉग पे जो है ऐड दिखेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो है आपको एडसेंस को अप्रूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार पहले जो है यूट्यूब पे एडसेंस को जो है मैं अप्रूव कराऊंगा उसके बाद ही जो है मेरे ब्लॉग पे ऐड दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, आप जब भी टॉप लेवल का यहाँ पे डोमेन लोगे .in या .com तो होगा क्या कि आपके जो है तो आपके ब्लॉग पे जो है ऐड दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का जो है थीम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना होगा। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है अभी तक डोमेन लिया नहीं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो है रिसर्च टेक न्यूज डॉट ब्लॉग स्पोर्ट पे है, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग बना हुआ ये बहुत बड़ा पेज है, आप नीचे तक आके देख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऐड लगा हुआ है और यहाँ पे जो ऐड लगा हुआ है तो ये बैनर ऐड है, ठीक है। इस ऐड को मैंने खुद बनाया है और इस ऐड के अंदर में जो है एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक सेट है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहां पे जो है बगैर एडसेंस का भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एडसेंस को लिंक करके अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है टॉप लेवल का डोमेन लेना पड़ेगा और उसके बाद जो एडसेंस को कैसे लिंक करना है वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही है, सिंपल है एडसेंस को लिंक करना ब्लॉगर में, ठीक है, बाकी उतना कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।